नमस्कार, पॉजिटिव भारत को स्वागत करछु। मिलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। ड्रागन को एथरो महंगा पड़िबो। दक्षिण चीन सागर रे दादागिरी एकाठी होचंती आसियान समूह राष्ट्र। आसियान अंचल रे मोदी देले बड़ आह्वान। बरुनेई, मलेशिया, फिलिपाइंस, दक्षिण कोरिया भली देश हेले शामिल। मोदी कहिले अधिक मजबूत होईछि भारत आसियान संपर्क। आर्यन खान को शेषे मिलला जमीन, तथापि रे जेल। जमीन मिले समस्त अभियुक्त आज राति काटे जेल। आसंता का सका मुकुबे मुंबई क्रूज पार्टी रे धरा पड़ी। अक्टोबर तीन रे गिरफ होते आर्यन। इटाली और ब्रिटेन गस्तर जी प्रधानमंत्री। अक्टोबर 29 रु नवेम्बर 2 मध्य गस्त कार्यक्रम। रोम रे G20 और ग्लास्को रे COP26 विश्व नेतृवृंद सम्मेलन में जोगदेवे मोदी। तीनदिनिया ओडिशा गस्तरे केन्द्र कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी पारादीप पोर्ट एनटीपीसी परिदर्शन करने सहित तो विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर करेंगे समीक्षा। आसंता काली कोयला और खणी बाबदे मुख्यमंत्री को भेटी करेंगे आलोचना। ड्रागन को एथर महंगा पड़िबो। दक्षिण चीन सागर दादागिरी एकाठी होती आसियान समूह देश। आसियान मंच में मोदी देले बड़ आह्वान। ब्रुनेई, मलेशिया, फिलिपाइंस, दक्षिण कोरिया भली देश हेले शामिल। मोदी कहिले गत 30 वर्ष से अधिक मजबूत हो पार्छि भारत आसियान गोष्ठी मध्य संपर्क। आसियान सम्मेलन को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते जे कोरोना महामारी जो आम समस्त अनेक आह्वान सम्मुखीन होगा पड़ी। ए चैलेंज समय भारत आसियान गोष्ठी मध्य बंधुत्व एक बड़ परीक्षा थी, किंतु से आश्वस्त जे कोरोना भली लड़ाई सहित तो सबु बंधु राष्ट्र एक हो लड़ी परस्पर को सबु प्रकार साहय कर जहाँ भारत और आसियान गोष्ठी राष्ट्र मानी बंधुत्व को अधिक मजबूत कर पार्छे। भारत आसियान सम्मेलन में एथर भारत व्यतीत इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलिपाइंस, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, भियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार अंशग्रहण कर समय चीन वृद्धि पाता शक्ति प्रभाव में असुविधा पड़ुता देश मान दृढ़ स्वर उठाइबापी सम्मेलन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष भूमिका निर्वाह कर वर्चुअल रूप में ही सही। हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। COVID-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खानपान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि
इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। आसंता काल आरंभ हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचदिनिया यूरोप गस्त ए समय से इटाली और यूके रे 16तम G20 शिखर सम्मेलन सहित वर्ल्ड लीडर शिखर सम्मेलन COP26 जोगदेवे। G20 सम्मेलन में एथर थीम रही पीपुल प्लानेट और प्रस्पेरिटी। भारत हो G20 सम्मेलन प्रतिष्ठाता सदस्य। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाव दायित्व नापर यह G20 बैठक में अष्टम योग्यता। यह अवसर में इटालीर प्रधानमंत्री मारियो द्रागी सहित प्रथम थर पर व्यक्तिगत भाव में साक्षात आलोचना करेंगे मोदी। से जातिसंघ तरफ यूके रे अनुषित COP26 शिखर बैठक में जलवायु परिवर्तन उपरे मोदी वक्तव्य रखे। विशेषकर भारत जलवायु परिवर्तन नहीं कौन सब पदक्षेप नहीं बाबदे सूचना देते। प्रधानमंत्री कार्यसूची बाबदे सूचना देते वैदेशिक सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। Prime Minister will be in Rome, Italy from the 29th to the 31st of October. He'll reach Rome on 29th morning and he'll depart Rome on the evening of 31st October for Glasgow. He would be in Rome to attend the G20 summit at the invitation of the Prime Minister of Italy, His Excellency Mr. Mario Draghi. This would be Prime Minister's 8th G20 summit. He has already participated in 7 G20 summits before this. You are aware that the summit last year hosted by Saudi Arabia was held virtually because of the COVID-19 pandemic. The last in-person summit that the Prime Minister had attended was in Osaka in June 2019. Italy's theme for its presidency is People, Planet, Prosperity. It's actually comes from the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. There are 5 P's here, but Italy has chosen to retain the 3 P's as being the theme for the G20 summit. And the focus of Italy is on recovery from the pandemic and strengthening global health governance, economic recovery and resilience, climate change and energy transition, and sustainable development and food security. India fully supports the priority areas chosen by Italy, and we have remained engaged on each and every of these agenda items through the presidency of Italy this year and in the run-up to the summit. I want to begin by placing the G20 in some perspective. G20, as you know, began from the throes of the financial crisis of the last century. As an informal forum of finance ministers and central bank governors of the world's largest economies. Subsequently, it was around, I think it was in 2008 that it was elevated to the level of heads of state government to tackle the global financial crisis of 2008. बहुचर्चित क्रूज ड्रग्स पार्टी मामलें शाहरुख खान को पुआ आर्यन को मिलला जमीन। मुंबईर आर्थर जेल में 25 दिन रहापर कोर्ट बेल आवेदन को मंजूर देते। एसत अन्य दुई अभुक्त अरबाज मर्चांट और मुनमुन धामेजा कोर्ट जमीन प्रदान कर शुणी पर बम्बे हाइकोर्टर जस्टिस नितिन साम्रो तीन अभुक्त को जमीन प्रदान करोर्ट संपूर्ण अर्डर आसंका प्रदान करेंगे। तेज आसंता कि शनिवार जेल्रु मुकिले सूचना मिली। Court has granted bail to all the 3 petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. Adesh aa gaya hai, all the 3 have been granted bail. Conditions are to be put tomorrow, all 3 will be out. God will be detail order aaj sham ko aa jayega aur kal se God willing will be out. Sir, counter argument nahi ho paya, sir, counter argument nahi ho paya, uske pehle order aa gaya ji. काउंटर आर्गुमेंट सारे एक आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होने के बाद में ही ऑर्डर आता है। प्रोसीजर यही है। पूरा काउंटर आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा उनका आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा हमारा हुआ, फिर ही ऑर्डर निकला।
मुंबई एनसीबी रो जोनल डायरेक्टर समीर वंखड़े और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मध्यरे क्रूज ड्रग्स मामलार तदंत को नहीं लगि रही बिवाद एवं नहीं नुआ मोड़ नवाब मलिक एनसीबी ऑफिसर समीर वंखड़े और पर बदनाम करने व्यक्तिगत व्यापार हस्तक्षेप करते बेआईन अनेक मिछ अभोग आनी समीर पत्नी और भौणी को बदनाम करते समीर पत्नी और भौणी मीडिया आगे मुंह खोलने भौणी जस्मिन जातीय महिला कमिशन द्वारस्थ होती नवाब मलिक जस्मिन को विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट व्यक्तिगत फोटो और तथ्य आनी मंद उद्देश्य बदनाम करने को व्यवहार करते जहाँ आईन विरुद्ध एथेरे जड़े महिला व्यक्तिगत अधिकार क्षुण्ण होती या विरोध में जस्मिन स्थानीय पुलिस स्टेशन में एतला देवा सहित जातीय महिला कमिशन ने अभियोग करते अभियोग को गुरुतर सहित नहीं जातीय महिला कमिशन ए बाबद तदंत करने महिला कमिशन अध्यक्ष पुलिस डीजी को पत्र लिखा जाने इन्हें गणमाध्यम आगे सूचना देखते कमिश्नर अध्यक्ष रेखा शर्मा उनकी कंप्लेंट काफ़ी लंबी चौड़ी है लेकिन हमारे लिए ये कंप्लेंट साइबर सिक्योरिटी पे है और स्टॉकिंग पे है साइबर स्टॉकिंग की गई उनके साथ और राइट टू प्रिवेसी का जो है दो मैटर्स हैं जो एनसीडब्ल्यू के लिए है बाकी उन्होंने अपने ब्रदर की तरफ से लिखा है जो मेरे ख्याल से पुलिस या कोर्ट उस मामले को लेगा जो उनके ये दो मामले हैं उनको हम लेकर पुलिस को लिख रहे हैं उस पर हम काम करेंगे उनकी पिक्चर सोशल मीडिया से उतारी गई और प्रेस में और सोशल मीडिया में उसको बांटा गया दैट इज स्टॉकिंग आप किसी की परमिशन के बिना आप ये नहीं कर सकते और उनकी प्राइवेसी उनकी पर्सनल फोटोज उसके ऊपर उनका हनन हुआ है उनकी प्राइवेसी का तो वो दो मैटर्स हैं जो हम एनसीडब्ल्यू जिन पे काम करेगा उन्होंने पुलिस एपथी के लिए भी लिखा है कि पुलिस को उन्होंने 22 तारीख को ही ये शिकायत की थी और अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया तो मैं डीजीपी को चिट्ठी लिखूंगी कि आपने अभी तक क्यों नहीं किया और इस मैटर को आगे बढ़ाएं क्योंकि एफआईआर होना ज़रूरी है इसमें और इस एफआईआर पे चार्जशीट होना भी आप किसी की पिक्चर्स को उनकी सोशल मीडिया से उतार कर सर्कुलेट नहीं कर सकते तो इस पे काम होना चाहिए ही हैज़ रिटन अ लॉन्ग लेटर प्रिसाइजली वी आर टेकिंग टू मैटर्स फ्रॉम दैट लेटर बिकॉज मोस्ट ऑफ थिंग्स आर अबाउट हर ब्रदर विच वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प हर इन दैट But she has also mentioned that she was stalked online and her pictures were downloaded from the social media and were circulated in press and social media. So we are going to take up this matter and we are going to write DGP Maharashtra about it. And one is right to privacy, which is her right. How come anyone... circulate those pictures from which were taken out without her permission yes that is everywhere in media what he has been saying but unfortunately we will not be able to work on those cases because she can go to the police or to the court on those matters secondly she has also said that police is not been able to help her in this matters she has already complained to the police So we are going to take up this with the police on police apathy also. आपण जदि सिनेमा निर्माण क्षेत्र में रुचि रखुथांती ताहले आपण को पाई रही बड़ सुजोग ए सुजोग आनिछंती केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय नवेम्बर 20-28 तारीख पर्यंत गोवा में अनुषित होगा जाऊँगी पाउनतम आंतर्जातिक फिल्म फेस्टिवल जहाँ केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित होगा जाऊँगी देश विदेश अनेक प्रख्यात सिनेमा निर्देशक जोगदेवार कार्यक्रम रही अवसर में मंत्रालय तरफ आरंभ हो एक अभियान जार ना रही 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमोरो एथिरे नुआ जुब निर्माता पाई रही बेस भल सुजोग आपण जदि जड़े नुआ सिनेमा निर्माता ताहले निजर सिनेमा मंत्रालय को पठाई ए उत्सव में भाग ले पारे अन्य प्रसिद्ध सिनेमा निर्माता सहित मिसी पारे एथिपाई शेष तारीख रही अक्टोबर 30 तारीख Hello young filmmakers of India Here's your chance to be one of 75 creative minds of tomorrow and attend the 52nd International Film Festival of India. Get a chance to interact with the biggest Indian and international film personalities. Have access to masterclasses by eminent filmmakers and participate in all major activities amidst the most scenic surroundings of Goa.
And yes, your travel and accommodation is on us. So what are you waiting for? Do not miss this opportunity. Apply now. तीनदिनिया ओडिशा गस्तरे केन्द्र कोयला और खणि मंत्री प्रहलाद जोशी केन्द्रमंत्री पारादीप पोर्ट एनटीपीसी कणिया परिदर्शन करेंगे और सेठे विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य समीक्षा करेंगे। केन्द्रमंत्री पारादीप पहुंचे सेठे समीक्षा कर 29 तारीख में राज्य और केन्द्र खणि और कोयला विभाग सचिवों सहित आलोचना करेंगे। या सहित एमसीएल नालकोर विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य समीक्षा करने सहित यार परिचालन अधिकारी सहित आलोचना करेंगे। यापर ओडिशार कोयला और खणि बाबद केन्द्रमंत्री प्रहलाद जोशी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भेट आलोचना करेंगे। राज्य विभिन्न खणीर उत्तोलन समस्या और खणि समस्या को आलोचना देश में देखाई विद्युत संकट को नहीं देशर विभिन्न तापज विद्युत केन्द्र कोईला संकट को नहीं आलोचना संभावना रही। आज ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी साहब एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री पटेल दानवे साहब आ गया पारादीप पोर्ट में। पूरा बर्थ का फैसिलिटीज अनलोडिंग लोडिंग सिस्टम्स पूरा देख लिया, इंस्पेक्ट कर लिया एंड वो बहुत सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया। जो पारादीप पोर्ट में जो फैसिलिटी है 60 मिलियन टन का कोयला का तालचेर से लाके तमिलनाडु आंध्रा को कोस्टल शिपिंग करने के लिए कैपेसिटी है, वो सब साहब ने देख लिया एंड उसको कोयला और बढ़ाने के लिए भी प्रॉमिस कर चुका है हमको एंड सार और एक टीम बन के कोल इंडिया रेलवे पोर्ट तीनों एक टीम जैसा काम करके पूरा एफिशिएंसी बढ़ा के प्रोडक्टिविटी बढ़ा के कोयला को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आदेश दे दिया, हम उसी हिसाब से चलेंगे। चलित बर्ष अर्जुन पुरस्कार बुधवार शिखर धवन समेत 35 जन खेला ना सुपारिश हो जो दुई हॉकी ओडिया खिलाड़ी अमित रोहिदास और वीरेन्द्र लाक्रा स्थान परशापी गौरव आने भारतीय हॉकी दल अधिनायक मनदीप सिंह ललित उपाध्याय वरुण कुमार हार्दिक सिंह प्रमुख स्थान पाई से सुटर सिंहराज आधाना पारा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास याथिराज सटलर भाविनाबेन पटेल नाम सुपारिश होता सूचना मिली। ग्यांगस्टर विभू साहू गुरुतर पूर्व शत्रुतारु आक्रमण पाटकुरा थाना नुआपड़ा बजारु गुरुतर अवस्था उद्धार होई बड़ खबर आसी पहुंची। ग्यांगस्टर विभू साहू गुरुतर पूर्व शत्रुतारु आक्रमण होता अभियोग पाटकुरा थाना नुआपड़ा बजारु गुरुतर अवस्था उद्धार कर ग्यांगस्टर विभू साहू जिकि गुरुतर होती पूर्व शत्रुता यह आक्रमण कर सूचना रही है बर्तमान गुरुतर अवस्था पाटकुरा थाना नुआपड़ा बजार उद्धार कर कार जोगे जाऊला निज ड्राइवर और सान भाई पुलिस आउला तेज घटनास्थल नुआपड़ा किसी युवक अतर्कित आक्रमण कर पूर्व शत्रुता होता पे बजार तरफ सूचना मिली तेज कह पूरा दुकान बजार पूरा सुनसान हो जाता और दीर्घ दुई घंटा धरी विभू साहू और ता सान भाई पुलि जैक गुरुतर अवस्था पड़ रही है। यह परिप्रेक्षी में पुलिस स्थानीय पुलिस घटनास्थल में पहुंच पार ना तेरे परवर्त समय पर लोके उधार कर हस्पिटाल केन्द्रापड़ा हस्पिटाल नहीं तेज बास्तव से गुरुतर भाव जो दुई घंटा धरी पड़ रही है से दुई घंटा पर लोक गोटे एक अटो साहय विभू और ता सान भाई जी अच्छी प्रत्यक्षदर्शी कौन 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 पूरा घटना घटी केमी कौन घटी पूरा जदि सीन कथा मन पक तारे कौन घटी प्रत्यक्षदर्शी कहीं किसी कहते मुँह खोलु संपर्क जदि कह बजार पूरा सुनसान थिला बजार जी जदि कह ऊर्ध दुकान रही बजार रही से दुकान बजार पूरा सुनसान थिला एवं एक कार थिला जो कार्टी इनोवा कार्टी से कार पाखे विभूत साहू पड़ी और ता सान भाई गुरुतर भाव ड्राइवर को अतर्कित माड़ होती तेज कह घटनास्थल गुरुतर अवस्था उदा कौन जो बजार कमिटर कौन व्यवसाय मुह खोल कारण जो रही क्रिमिनाल क्राइम रही से बजार कमिटर कौन सदस्य जड़े भी मुह खोल तेज पुलिस घटनास्थल छानबीन छानबीन एजाबत करनी कारण कौन प्रभात पुलिस एत लेट्रे आसवा एवं छानबीन आरंभ नक एड बड़ घटना कह गि देखा मानने अशांत होती केन्द्रापड़ा तथा पुलिस चुप कहीं
ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯଦି କହିବା କିଛି ଚାରି ଚାରି କିଲୋମିଟର ରହିଛି ପାଟକୁରା ଥାନା, ପାଟକୁରା ଥାନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜାର କମିଟି ତରଫରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ବିଭୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଭୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତବାର ଜେଲ୍ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେବେ ବିଭୁର ଯୋଉ ରହିଛି କାରନାମା ରହିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଭୁ ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅଛି ଏବଂ କୋଉ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଛି ଏ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କୋଉଠି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଛି। ତିନି ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ କାର୍ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତେ ଏବଂ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ମାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭୁ ସାହୁ ଗୁରୁତର ରହିଛି, ତେବେ ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବ। ତେବେ ଏଯାବତ୍ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ ଆସି ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଚାରିଟାରୁ ଛଅଟା ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭାତ, ଯଦି ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ବିଭୁ ସାହୁର ଘଟଣାକୁ। ତ ଏସ୍ପି ନିରବ କାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁନି, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁନି, କିଏ କାହିଁକି ବିଭୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲେ ଆସି ତା ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ସମୟ ସେ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲା, ମାନେ ଏଭଳି ନିରବତା ଯୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାନ କଥା ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ବମିଂ ଘଟଣା କହିବା ଫାୟାରିଂ ଘଟଣା କଥା କହିବା ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ରହୁଛି। ବିଭୁ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭାବେ ଏଠି ପରିଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତେବେ ବିଭୁ ସାହୁ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟାଉଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାର ନେଇ ଯଦି କହିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଯେ କି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ନିଜେ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଲେ କି ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ବିଭୁକୁ ଏବଂ ତା ଭାଇକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ବିରୋଧରେ? ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ଭାବେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ବିଭୁ ସାହୁର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ପୁଲିସ ସାହୁ, ପୁଲିସ ସାହୁକୁ ଚାହା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ହଳଦିଆ ଗୋଡ଼ାରେ ସେ ତାର ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ତେବେ ବିଭୁ ସାହୁ ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଜି କାର୍ ଭିତରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ବଜାର ଯୋଉ ରହିଛି, ନୂଆପଡ଼ା ବଜାରର ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଫେଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ହେଇଛି, ବାଉଁଶରେ ମାଡ଼ ଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଭଳି ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରଭାତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ତାର ନେଟୱାର୍କିଂ ଥିଲା, ତେବେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିବ ବିଭୁର ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏଯାବତ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ସେଠି ଯୋଉ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବ, ଯୋଉ ବଜାରରେ ଯୋଉ କମିଟି ରହିଛି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, କିଏ କିଏ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ, ଏଇଟା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା। ତେବେ ବଡ଼ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛି ବିଭୁ ସାହୁ ଗୁରୁତର, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପାଟକୁରା ଥାନା ନୂଆପଡ଼ା ବଜାରରୁ ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତା ପରିବାର ଲୋକେ, ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିବା, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି କି କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ ଏତେ ନିରବତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହର୍ ଘର ଦସ୍ତକ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବେ। ଏ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଦେଶରେ ଟିକାକରଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦିଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶର ସେହି 48 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠି 18ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ 50%ରୁ କମ୍ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୋଡ଼ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।